हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में। ये मेरे हाथ में जो आप गोली देख रहे हैं, ये गोली हमारे पौधे के लिए इतने अच्छे फर्टिलाइजर हैं कि मैं क्या बताऊं। ये आप अपने पौधे पे जब ये गोली का असर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये गोली हमारे पौधे के लिए इतना अच्छा हो सकता है, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये मैं अपने पौधे में डाल के और मेरे पौधे में क्या मुझे रिजल्ट मिला है वो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और ये आप देखेंगे कि मैं आपके सामने ही ये डालूंगी और इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। तो दोस्तों, ये जो गोली है मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो ये कौन सी गोली है ये आपको मैं आगे वीडियो में बता रही हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे में फूल भी कितने अच्छे खिले हुए, आप गुड़हल देख रहे हैं मेरे पौधे में गुड़हल जो हुए हैं, ये सब इसी का असर है। यही वाले गोली को मैं अपने सभी पौधे में डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी गर्मियाँ जैसे शुरू हो रही हैं तो मैंने सरसों खली डालना बंद कर दिया है। और ये देखिए मेरे पौधे पे फूल के साइज़ देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ हैं। तो ये मैंने 3 दिन पहले मैंने अपने सभी पौधे में ये फर्टिलाइज़र डाले हैं, तो मैं अभी आप सभी को दिखाऊंगी। और ये रिज़ल्ट उसके बाद का है, आप देखिए पौधे में कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिल गए हैं और गुलाब में भी मेरे फूल आ गए हैं और पौधे में सभी में कलियाँ बनी हुई हैं। और कुछ पौधे में देखिए फूल सूख जा रहे हैं क्योंकि ये मेरे छत पे रखे हुए हैं और रोज़ मैं आ नहीं पा रही हूँ तो मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। और कलियाँ भी काफ़ी बड़े बड़े साइज के इसमें हैं, जो कि फूल के साइज़ तो इतने बड़े हो रहे हैं कि मुझे देख के खुद ही आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े बड़े साइज के फूल हैं। और मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है कि मैंने जो कटिंग की है, कटिंग के बाद मेरे पौधे कितने हेल्दी हो गए हैं। तो मैं अभी 2 से 3 बार ये वाले फर्टिलाइज़र डाल चुकी हूँ सभी पौधे में, मैं ये फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ। ये गुलाब भी मेरे देखिए, गुलाब पे भी मैंने काफ़ी मेहनत किया, मेरे ये पौधे में एकदम से लग रहा था कि फूल नहीं आएंगे, पर मैंने इस पे भी बहुत सारे काम किए, तो इसकी भी वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तब जाके मुझे इतने बड़े साइज के फूल मिले हैं और फूल काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े साइज के हैं, पर यहाँ पे तो उतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं, बड़े साइज के भी नहीं पता चल रहा है, पर काफ़ी बड़े फूल खिले हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले और बाद के फर्टिलाइज़र डालने के पहले की वीडियो भी मैं दिखाऊंगी। मैंने बाद वाली दिखाई आपको जिसमें कि बहुत सारे फूल आए हुए हैं, और मैं फर्टिलाइज़र डाल के भी आपको दिखाऊंगी। और ये वाले फूल भी देखिए कितने बड़े साइज के खिले हुए हैं, क्योंकि मैंने गुड़हल के पौधे बहुत सारे रखे हुए हैं और गुड़हल काफ़ी हैवी फीडर होते हैं और केयर भी काफ़ी मांगते हैं, तो इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ इससे पौधे पे जो मिली बग वगैरह होते हैं वो भी नहीं लगते हैं, मेरे किसी भी पौधे में मिली बग नहीं लगे हुए हैं। और कलियाँ भी देखिए कितनी सारी बनी हुई हैं। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने सभी दिखाए हुए हैं। और ये देखिए मेरे पौधे जो कि मैं फर्टिलाइज़र डालने से पहले ये वीडियो बनाई हूँ, तो आज मैं आप सभी को फर्टिलाइज़र डाल के दिखाऊंगी कि मैं उसका फर्टिलाइज़र कैसे बना के डालती हूँ। तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, आप सभी को देख सकते हैं कि वो फर्टिलाइज़र मैंने कैसे बनाया है। आप सभी अपने पौधे पे ज़रूर डालिए, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं कि कैसा है, आपके पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आप पहले उसे यूज कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कितना अच्छा चीज़ है, ये बेकार का चीज़ आपके घर घर में पड़े रहते हैं। आप उसको यूज कीजिए अपने पौधे पे, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं ये गोली 4 साल से यूज कर रही हूँ अपने पौधे पे और मुझे देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है। मैं गर्मियों में ज़्यादा कोई भी कंपोस्ट ऐसा यूज नहीं करती हूँ और मैं यही वाले कंपोस्ट अपने पौधे में डालती हूँ, तो आप देखिए उसका रिजल्ट। और मैं अभी फर्टिलाइज़र डालूंगी, इसमें दिखाती हूँ आप सभी को, आगे वीडियो में बने रहिए और देखिए कि मैं कैसे फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने लिक्विड बना के रखा और इसका लिक्विड मैं कैसे बनाती हूँ वो वीडियो भी है मेरे चैनल पे, मैं सभी का लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो ये वाले लिक्विड मैं 10 लीटर का बाल्टी है उसमें मैं ऐसे ही अंदाज से 3-4 ढक्कन डालूंगी,
और उसके बाद सभी पौधे में मैं इसे डालूंगी। सभी को ये डर रहता है कि पता नहीं पौधे सूख जाएंगे, पर बिल्कुल भी पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो मैं आपके सामने ही इसे डालूंगी और दिखाती हूँ अपने सभी पौधे में डाल के। 3 से 4 ढक्कन मैंने डाल लिया है, उससे ज़्यादा ही मैंने लिए हैं। ये मेरे 10 लीटर के बाल्टी हैं और इसे मिक्स करके अब मैं इसे मिक्स करके मैं सभी अपने पौधे में इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं हमेशा ही ये वाले फर्टिलाइज़र बना के मैं रखती हूँ। ये गोली को मैं एक बोतल में भर के उसके बाद मैं उसे रख देती हूँ और मैं उसे हमेशा यूज करती हूँ। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे अपने पौधे में डालिए और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा। आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप कोई फर्टिलाइज़र यूज ही नहीं करना चाहेंगे। और काफ़ी आसान भी है, आपको इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से देखिए मैं अपने सभी पौधे में इसे डाल दूंगी। तो आपने देखा ही है कि इसके कितने अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। वो वीडियो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाए हैं वो फर्टिलाइज़र डालने के बाद के रिज़ल्ट हैं। और अभी देखिए पौधे में कलियां सिर्फ बनी हुई हैं और गुलाब में भी फूल नहीं खिले हुए हैं। और जब ये मैंने डाल दिए तो सभी में फूल खिल गए हैं और बहुत सारे फूल और बहुत बड़े बड़े साइज के भी फूल खिले हैं। ये फर्टिलाइज़र मैं अडेनियम में भी यूज करती हूँ। मैं सभी पौधे में ये फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ, ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसमें मैं नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, तो इसीलिए मैं इसे सब में यूज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे सभी गमले में डाल दिए हैं। और कुछ जो पौधे मेरे बालकनी में हैं तो उसे मैं नीचे बनाऊंगी और नीचे ही डालूंगी। जब मैं बालकनी में पानी डालूंगी तभी मैं डालूंगी। चाहे ये फूलों वाले पौधे हो, इंडोर प्लांट हो, या फिर कोई भी प्लांट हो, करी लीव हो, मैं सभी में इसे डालती हूँ। और सभी में देखिए कलियाँ कितनी बनी हुई हैं। और जिसमें अगर थोड़े भी मिली बग वगैरह लगे होते हैं तो मैं इसी से ऊपर से इसे धो देती हूँ ताकि इसमें मिली बग भी ना लगे, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र डालने से पौधे में चींटियाँ भी नहीं आती हैं और मिली बग वगैरह भी नहीं लगते हैं, बहुत कम ही लगते हैं, चांस कम होते हैं लगने के, ज़्यादा नहीं लगते हैं। और यहाँ देखिए गुलाब में कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। और उसके बाद देखिए फर्टिलाइज़र डालने के बाद ये देखिए कितने बड़े साइज के फूल खिले हैं, ये देखिए। और मैंने डाले थे इसे लिली के प्लांट में भी, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से, एक ही दिन मैंने फर्टिलाइज़र डाले, मैं 2 दिन बाद देख रही हूँ कि उसमें कलियाँ निकल गई हैं। तो वो भी मैं शेयर करूँगी आप सभी से अगली वीडियो में। और ये मेरे फर्टिलाइज़र डालने के दूसरे तीसरे दिन के बाद का रिज़ल्ट है, ये देखिए कितनी सारी कलियाँ बन गई हैं। और कितने सारे फूल भी खिल गए हैं देखिए। और गुलाब भी देखिए, गुलाब भी खिल गए हैं, जो कि उस दिन जब मैं फर्टिलाइज़र डाल रही थी इसमें एक भी गुलाब नहीं थे, अब देखिए कितने सारे गुलाब हो गए हैं इसमें। और ये बोगनविलिया में भी देखिए कितने अच्छे फूल आ गए हैं। इस तरह से देखिए मेरे पौधे कितने अच्छे हो गए हैं और कितने सारे कलियाँ और फूल हो रहे हैं अब। और वो भी एक स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया है वो भी मैं 2 दिन के बाद का ही वीडियो आप सभी के साथ शेयर की हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये फर्टिलाइज़र आप यूज कर सकते हैं बेझिझक होके, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं, ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर।